नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शराब माफिया को थाने से छुड़ाने के लिए पहुंचे काफिले के साथ बीजेपी विधायक, पुलिस के लिए बने मुसीबत। रीवा जिले के गढ़ थाना पुलिस को एक शराब तस्कर को पकड़ना महंगा पड़ गया। भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी गुरुवार की देर शाम अपराधी को छुड़ाने गढ़ थाने के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तो तेउथर विधायक उसे छुड़ाने थाने पहुंच गए और कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं विधायक चाय की गुमटी पर अपना डेरा डाल दिया। इस दौरान पुलिस द्वारा उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। जिस अपराधी के समर्थन में पहुंचे थे उस पर गढ़ थाने में एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दरअसल गुरुवार को रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भूमा के रहने वाले दिनेश उर्फ राजा पटेल के घर से पुलिस ने 52 लीटर शराब पकड़ा था और दिनेश उर्फ राजा पटेल पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इस बात की खबर जैसे ही भाजपा के तेउथर विधायक और कार्यकर्ताओं को हुई, उन्होंने थाने में डेरा डाल दिया। शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को छुड़ाने और लगी धाराएं हटाने की मांग पर अड़ गए। उनका कहना था उसके घर से शराब नहीं डीजल पकड़ा गया है। कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, वहीं विधायक थाने के सामने चाय की गुमटी पर डेरा डाल दिया। मामले की जानकारी लगने के बाद एडिशनल एसपी अनिल सोनकर भी मौके पर पहुंचे और तेउथर विधायक को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जीत पर अड़े रहे और राजा पटेल के खिलाफ लगे प्रकरण को हटाने की मांग करते रहे। साथ ही उसके खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर थाना प्रभारी को भी हटाने की जिद पर अड़ गए और यह हंगामा कई घंटों चला। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। आज मैं गढ़ थाना अंतर्गत खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं, लगता है कि धरना प्रदर्शन है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लोग मिल के बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांग है अभी तक कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। किसी से पूछा जाता है तो बता नहीं रहे हैं, शासन न प्रशासन कोई नहीं सुन रहे। यहाँ पर उपस्थित तेउथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी भी उपस्थित हैं, लेकिन उनसे भी इस संबंध में जानकारी चाहेगी तो उन्होंने मना कर दिया है। पुलिस प्रशासन भी कुछ बताने से मना कर रहा है। अब मामला क्या दारू का है या पानी का है और कौन किस में हावी है, ये देखने का विषय है और जांच उपरांत ही पता चलेगा कि घटना क्या थी। माननीय तेउथर विधायक श्री श्यामलाल द्विवेदी जी थानागढ़ में गए थे और फिर उनके द्वारा ये बताया गया कि जो एक आरोपी है जिसको पकड़ा गया था पुलिस ने, आबकारी एक्ट में उसको गिरफ्तार किया था, उनका कहना था कि लोग बता रहे हैं कि वो गलत कार्रवाई हुई है और जिसके विषय में वो वहाँ पे गए थे और इसलिए फिर यहाँ से हमने एडिशन एसपी भी गए थे कि पूरी बात भी समझ लें और क्या उसमें आती है सामने उसके वो भी समझ लें। और इसमें माननीय विधायक को भी बोला गया था कि अगर कोई ऐसी संदेह है या कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो उसके बारे में जो भी उनके फैमिली है जो भी है वो हमको दे, ताकि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें कार्रवाई भी की जा सके और बाकी भी अगर कुछ उनसे भी सहयोग की अपील की गई थी। मौके पे शराबी पकड़ी गई है? नहीं, वो जो है कार्रवाई इसमें 34-2 है, शराब की कार्रवाई हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।